दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग देखेगा, बहुत जल्दी देखेगा, प्राइस एक्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते और फ्यूचर एंड ऑप्शन का तो कतई नहीं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लाए हैं अपना टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम डेली एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्राइस एक्शन देखेगा पोस्ट करते हैं विद चार्ट, और आपको उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फ्री चैनल है, फेक एंड फ्रॉड चैनल से दूर रहिएगा, इसके लिए केवल डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से ही ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अमेरिका से आई है। आप देखते हो इंडियन बैंकों में जब बात होती है तो जब हम लोग टॉप बैंकों की स्थिति देखिएगा अच्छी होती है, टॉप बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी होती है, तो हम मान लेते हैं इकॉनमी की देखिएगा स्थिति क्या है, अच्छी है। अब टॉप बैंक कौन से हैं, HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, कोटेक हो गया, तो ये टॉप बैंक्स हैं। अगर ये टॉप बैंक अच्छा परफॉर्म करें, इनकी बैलेंस शीट में देखिएगा क्या चीज़ हर्डल बन रही है या फिर क्या चीज़ हर्डल नहीं बन रही है, इसके बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम का पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है। तो सेम देखिएगा अगर अमेरिका में भी जो टॉप बैंक हैं, टॉप इन्वेस्टर हैं, अगर देखिएगा उनके फाइनेंस के बारे में, उनकी बैलेंस शीट के बारे में, उनके ड्रास्टिक चेंज के बारे में, इकोनॉमिकल चेंज के बारे में जो आउटलुक है वो अगर आपको पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में सिचुएशन कैसी है। तो अमेरिका की सिचुएशन को पता करने के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिसर्च लाया हूँ, वो भी CNBC पे जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और रिसर्च है JP Morgan का। तो आप समझ सकते हैं इस पर आप बहुत अच्छी तरीके से रिलाय कर सकते हैं, ऑथेंटिक डेटा और एकदम क्रिस्टल बात बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एट द सेम टाइम कि यहाँ पे डोजोन्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है, डोजोन्स में वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो JP Morgan ने देखिएगा क्या कहा है कि हमने रेवेन्यू बढ़ा दिए, देखिएगा एस्टिमेट फॉर फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू बट सेज माइल्ड रिसेशन इज नाउ सेंट्रल केस। देखिएगा जो फोकल पॉइंट है, यानी कि अमेरिका के बैंकों का जो फोकल पॉइंट है, चूंकि अमेरिका के बैंकों ने 2009-2008 देखा है और 2008-09 में एक डिफिकल्ट फेज आया था, चूंकि अमेरिका में यूनिट बैंकिंग सिस्टम है जिसमें देखिएगा अलग अलग हर कोई बैंक खोल सकता है, तो वो आप समझ सकते हो ना कि वहां पे अगर बैंक खराब होते हैं तो बैंकों पर से जो ट्रस्ट होता है वो बहुत तेजी से हट जाता है। जैसे इंडिया में क्या है, सरकारी बैंक है और कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो आपको पता है कि ये टॉप बैंक से अगर ये बने रहेंगे तो आपको पता है पूरी इकॉनमी बनी रहेगी, और ये डूबते तो पूरी इकॉनमी डूबेगी। तो इसी तरीके से देखिएगा जो सिनारियो है वो अमेरिका में एकदम डिफरेंट है। तो वहां पे 2008 में बहुत सारे बैंकों के क्रेडिबिलिटी और डाउट्स क्रिएट हुए थे, और उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी 2008 की मंदी में। तो अब देखिएगा बैलेंस शीट में क्या दिक्कत आना शुरू हो गई है अकॉर्डिंग टू JP Morgan, जो आपको फोकस करना चाहिए और कैसे बैंक उसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस कारण से जब देखिएगा बैंक जो अच्छे टॉप बैंक हैं, जो अच्छा रेवेन्यू ग्रेन कर रहे हैं, वो भी अभी देखिएगा अनसर्टेनिटी में है, असमंजस में है कि हमारी इकॉनमी कहाँ तक जाके मतलब खराब हो सकती है इस पर्टिकुलर मल्टीपल रेट हाइक से। तो आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत अनसर्टेनिटी बाकी है किसमें, डोजोन्स में, और अगर आप देखेंगे हमारे कैपिटल मार्केट में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी रिपोर्टेड अर्निंग ऑफ $3.57 पर शेयर विच डजंट कंपेयर विद द 3.07 एस्टिमेट। तो अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बेटर हुई हैं, रेवेन्यू काफ़ी अपट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे अर्निंग बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, और रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी अगर देखेगा आपको एक्सपेक्टेशन कुछ और ही हो तो आपको थोड़ा सा देखेगा यहाँ पे जो अपना सिनेरियो होगा वो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे JP Morgan ने क्या कहा है, इन्होंने जब अपने देखेगा क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट किए तो उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे देखेगा हमें लोन ग्रोथ देखने को मिली है, एवरीथिंग इज नाइस, लेकिन वाई दे आर नॉट हैप्पी, यानी कि क्यों इतनी अच्छी अर्निंग के बाद भी वो हैप्पी नहीं है। तो ये आपको बहुत बताना जरूरी है। द न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक सेड प्रॉफिट जंप 6% फ्रॉम द ईयर अर्लियर पीरियड, 6% बढ़े, रेवेन्यू बढ़े हैं 17%, और अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ी है, और एवरेज लोन ग्रोथ बुक भी देखिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है।
तो द मूव वॉज ड्रिवन बाय द मॉडेस्ट डिटोरेशन इन द फर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक नाउ रिफ्लेक्टिंग अ माइल्ड रिसेशन इन द सेंट्रल केस. आपको पता है ये पर्टिकुलर जो जंप आया है तो सेम सिनारियो है हमारे इंडियन बैंकों का, जो कि आपको पता है रेट हाइक होगा तो इंटरेस्ट रेट उसी सिनारियो में बढ़ जाते हैं, जो आपके लोन चल रहे होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट का बेस इफेक्ट बढ़ जाता है, आपकी ईएमआई बढ़ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, तो उससे तुरंत क्वार्टर के रिजल्ट बढ़ जाते हैं. यानी कि जो आपको 2 रुपये मिल रहे थे अचानक से 4 रुपये मिलने लगे. तो अचानक से देखिएगा जो ग्रोथ आई है वो बैंकों में यहाँ पे भी आई है, क्योंकि फेड ने भी देखिएगा रेट हाइक बढ़ा रखे और फेड ने हमसे ज़्यादा एग्रेसिवली रेट बढ़ा रखे, तो उस कारण से ये अर्निंग अच्छी देखने को मिली है. बट उन्होंने क्या कहा कि बैंकों के देखिएगा बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं लेकिन जो प्रोविजन है वो 2.3 बिलियन हो गए हैं. आप समझ लो 2.3 बिलियन डॉलर हो गए. और अगर आप देखेंगे फॉर क्रेडिट लॉसेस इन द क्वार्टर 49% इंक्रीज फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर दैट एक्सीडेड 1.96 बिलियन. तो आप समझ रहे हो कि आपके जो लोन क्रेडिट क्रिएशन चल रहा है इस समय आपके पर्टिकुलर अमेरिका की इकॉनमी में, उसमें देखिएगा जंप तो खूब मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट तो खूब मिल रहा है, बट प्रोविजन क्यों बनाए जाते हैं, डिफॉल्ट के चांसेस जब ज्यादा होते हैं. तो इस तरीके का जंप देखने को मिला है, 49% का जंप देखने को मिला है प्रोविजन में. तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि मैक्सिमम लोन के 50% लोन के डिफॉल्ट के चांसेस हैं. आप समझ रहे हो. और जब ऐसे पर्टिकुलर क्रेडिट क्रिएशन किए जाते हैं जहां पे डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिस्की लोन दिए जा रहे हैं इकॉनमी को, क्रेडिट कार्ड्स बहुत क्रिएट करे जा रहे हैं, तो ऐसे में इकॉनमी में अचानक से पैनिक आता है. तो अमेरिका की इकॉनमी में अचानक से पैनिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहां पे अगर रिसेशन आता है तो जितने बैंक के क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं उनके डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग हाई ह्यूज प्रोविजन. अगर इंडियन बैलेंस शीट में देखेंगे तो अभी तक देखिएगा हम लोग कम प्रोविजन लेके चल रहे हैं, हम लोग बहुत कम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी हाई है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बनी रहेगी. हम रिसेशन में नहीं जा सकते, हम स्लो डाउन में जा सकते हैं, हमारी जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बट हम स्लो डाउन या फिर देखिएगा माइल्ड रिसेशन में नहीं जाएंगे कभी भी. तो वहां सिनेरियो अलग है, लेकिन यहां पे आप समझ सकते हो जेपी मॉर्गन का कहना है कि यहां पे हमारे जो पर्टिकुलर देखिएगा रिसेशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है हो सकता है 4.9% तक बढ़ जाए. और अगर ऐसा होगा तो इस पर्टिकुलर क्रेडिट के लिए प्रोविजन देखिएगा अपने लाइफ टाइम के हाई पर होगा, क्योंकि जब ऐसा होगा और स्लो डाउन रिसेशन जैसे हालात आ जाएंगे तो बैंकों के डिफॉल्ट बहुत तेजी से होंगे, जो जेपी मॉर्गन ने कंफर्म कर दिया. और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसके बारे में तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, लाइक फूड सप्लाई और देखिएगा जो एनर्जी सप्लाई है उसके बारे में तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है. बट फिर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पेन आ सकता है, कहाँ पे कम पेन आ सकता है. तो आप समझ रहे हो कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी बैंक्स वहाँ पे 50-50% की प्रोविजनिंग मेंटेन अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है यूएस की इकॉनमी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट और डर बना हुआ है बैंकों के पास कि डिफॉल्ट तेजी से हो सकते हैं आगे चल के 2-3 क्वार्टर में. तो इसीलिए अभी अगर आप देखेंगे डोजोन्स में इतने ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं है, और आपको पता है ये इंश्योरेंस तब तक नहीं आएगा जब तक ये बैलेंस शीट बैंकों की नहीं सुधरेगी. तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.